यूपी के हमीरपुर में कुछ दिन पहले हीटर से जलकर हुई महिला सहित दो मासूम बेटियों की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने महिला की मौत मामले का खुलासा करते हुए इस घटना को हत्या करार दिया है। एसपी शुभम पटेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला के भाई को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है, तो उसने अपना गुनाह कबूल किया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह नशा करता था और नशे के लिए बहन से अक्सर पैसे मांगा करता था। घटना वाले दिन भी आरोपी ने अपनी बहन से पैसे मांगे थे। जब बहन ने पैसे नहीं दिया तो आरोपी ने अपनी बहन और दो मासूम भांजियों के सिलबट्टे से कुचलकर हत्या की थी और बाद में आग लगाकर फरार हो गया था। थाना कुरारा क्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी को रात्रि को एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके दो छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी और साथ ही मौके से उनका जो एक भाई था वो संदिग्ध था और मौके से फरार हो गया था।